there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नमस्कार फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपका मित्र बोल रहा हूँ और स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल पे DTH न्यूज पे। आज मैं डीडी फ्री डिश में आपको यदि बॉक्स सेट करते हैं, आपको जैसे वीडियो कॉन सेट करना है, MPG2 सेटअप बॉक्स से सिग्नल को मिलाना है और आपके पास नहीं है, मीटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे सिग्नल मिलाएंगे? 2021 में जो नई TPI आ गई है तो उसको कैसे ऐड करके हमको सिग्नल मिलाना है और कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा और पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आप MPG2 सेटअप बॉक्स से आप अपने वीडियो कॉन D2H का पूरा सिग्नल मिला सकते हैं, एकदम इक्वल सिग्नल मिला सकते हैं। तो मैं आपको इसमें सिर्फ TP बताऊंगा और NLB स्क्रू एंगल जो होता है, तो आपका जो DD फ्री डिस्क का रहता है सेम वही रखना है, सेम टू सेम उसी तरह रखना है और स्क्रू एंगल वही रहेगा। मैं आपको जो अभी नई TP आई हुई है वीडियो कॉन D2H की, जिससे आपको पूरा सिग्नल मिल जाए MPG2 सेटअप बॉक्स में, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा पूरा कि कैसे आपको इसमें ऐड करना है और कैसे आपको सिग्नल मिलाना है। तो सिग्नल आपको मिल जाएगा, तो सबसे पहले आपको मेनू का बटन प्रेस करना है इस तरह से, और मेनू का बटन प्रेस करने के बाद आपको पहुंचने पर पड़ेगा प्रोग्राम सेटअप पे, और जैसे ही आप प्रोग्राम सेटअप पे आएंगे तो आपको इसमें ओके करना है। आप देख सकते हैं ओके करने के बाद आपको यहाँ पास आएगा एड न्यू प्रोग्राम, तो एड न्यू प्रोग्राम में आपकी जो TPI होंगी, जो अभी नई TPI है, तो आपको वो TPI मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपको ओके करना है। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि अभी सिग्नल क्वालिटी वगैरह कुछ नहीं बता रहा, एकदम जीरो बता रहा है, एक भी नहीं है। तो इसमें जो आपकी TPI होगी तो इसमें आपको 0 97 97 50 आपको रखनी है। फिर इसके बाद आपका जो है तो फ्रीक्वेंसी 2 जो रहेगी तो वो आपकी रहेगी 10 600 इसकी रहेगी। फिर इसके बाद जो आपकी TPI है तो आपको डालना पड़ेगा इसमें, ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी जो आपकी रहेगी तो वो 11 600 11 609 ये आपको डालना पड़ेगा। और इसके बाद आपको सिंबल रेट जो रहेगा तो वीडियो कॉन का जो है तो 44 9 8 और 9 ये आपको रहेगा, ये आपको याद रख लेनी है। और ये जो आपका पोलैरिटी रहेगी तो ये आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा तभी आएगा, वर्टिकल में नहीं आएगा। तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूं, तो ये आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल करते ही वीडियो कॉन का सिग्नल हमको प्राप्त हो गया। और इसको सेव कर देना है, तो सेव कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सेव कैसे करना है आपको, तो पूरी जानकारी वो भी मैं दूंगा। और यदि आपके पास डिश स्विच लगी है तो इसको ऑफ कर देंगे तो आपको इसमें सिग्नल मिलेगा, मगर आपको सिग्नल सेट करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए 22 किलो को ऑन रखना है। तो इस तरह से आप MPG2 सेटअप बॉक्स से सिग्नल को सेट कर सकते हैं। यदि आपके डिश स्विच लगी हुई है तो डिश स्विच का यूज करें, यदि डिश स्विच नहीं लगी हुई है, मोनोब्लॉक एनएल भी नहीं लगी है, तो आपको सिग्नल में इसको ऑफ ही रखना है, तो तभी आपको सिग्नल प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिग्नल 60 के करीब बता रहा है। तो इस तरह से आप MPG2 सेटअप बॉक्स में वीडियो कॉन का सिग्नल आसानी से आप सेट कर सकते हैं इस TPI पे, और आप इसको सिग्नल मिला सकते हैं। तो इसको कैसे आपको सेव करना है और ऊपर जाके बॉक्स को सिग्नल सेट करना है, ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको आपको क्या करना है, सेव कर देना है, और सेव करने के बाद जैसे ही आप सेव करेंगे तो चैनल आपको नहीं मिलेगा, और इसमें ओके करेंगे तो आपकी ये TPI पुरानी आ जाएगी। तो इसको आपको मेनू का बटन प्रेस करना है और पैरामीटर सेटअप पे आना है, और पैरामीटर सेटअप पे आने के बाद आपको यहाँ पास जो होगी तो यहाँ पास आपको TPI डाल के ऐड कर देना है, और जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपका चालू हो जाएगा। तो मैं तुरंत आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो 0 97 50 और इसको आपको डालना है 10 600 10 600। फिर इसके बाद आपका इसमें डालना है 11 609। फिर इसके बाद आप इसमें डालना है 44 9 8 9 और इसको आपको हॉरिजॉन्टल कर देना है, और हॉरिजॉन्टल करने के बाद 22 किलो को ऑन रखना है डिश स्विच को। अब इसको आपको सेव कर देना है, और जैसे ही आप सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा, और आप ऊपर जाकर सिग्नल क्वालिटी चेक करेंगे तो आपका सिग्नल क्वालिटी प्रॉपर तरीके से आपका यहाँ पास बताएगा। तो इस तरह से आप अपने वीडियो कॉन D2H को आसान तरीके से MPG2 सेटअप बॉक्स से आप सिग्नल सेट कर सकते हैं, और इसको आप बॉक्स भी ओपन ले जाएंगे और सिग्नल का बटन प्रेस करेंगे तो आपका सिग्नल सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको बस इतना ही आपको अपडेट देना था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।